वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी हम लोग भोपाल घूमने आए हैं और ऐसे घूमने नहीं आए, मम्मी बहुत पहले यहाँ रहती थी तो 20 साल पहले आई गेस, और हम उनकी जो चाइल्डहुड मेमोरी, जहाँ वो रहती थी, जहाँ वो स्कूल जाती थी, हम वो कवर करना है। तो जो उनका पहला घर है, पहले हम वो देखेंगे। ये है मम्मी का घर, पुराना वाला फोटो सेक्शन। गाइस, फर्स्ट स्टॉप हमने देख चुका है मम्मी का पुराना घर। बहुत इतना गोल गोल घूमा है क्योंकि मिल ही नहीं रहा था हम लोगों को, मम्मी को भी याद नहीं आ रहा था, तो मामा को फ़ोन किए, फिर वहाँ से पता चला। तो अभी हम जा रहे हैं जहाँ मम्मी दूसरा जहाँ उनका घर था वो, और पीछे मेरे डिस्कशन चल रहा है वो लोकेशन वगैरह का। तो अभी हम जाते हैं सेकेंड स्पॉट पर, बस इतने से इसके लिए देखने आए थे। बट ठीक है, जिसकी मेमोरीज जो वहाँ रहा है उसको ज़्यादा पता होगा, तो हम जाते हैं अभी सेकेंड इस पर। मम्मी ऑलमोस्ट 5 से 6 साल वहाँ रही थी। मम्मी कैसा लगा? बहुत अच्छा। I'm feeling यहाँ पे आप पहले रहते थे ना, पहला घर था ना भोपाल का, एकदम नॉस्टैल्जिया लग रहा है तो जो रहता है उसको ही पता चलता है, कि हम लोग को उतना समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मम्मी रही है इधर तो मम्मी को ज्यादा पता होगा। गाइस, हम आ चुके हैं लोकेशन नंबर 2 में, लेकिन मैं कार में बैठी हूँ। हाँ हाँ, ओके, समझ गया। तो मैं अभी कार में बैठी हूँ क्योंकि पार्किंग नहीं थी, तो मैं एक घर के गेट के सामने मैंने कार रखी हूँ। मम्मी मेरी बहन, मेरी बुआ गए वहां पे देखने के लिए उनका घर। इतना डिफिकल्ट है ना, जो मम्मी D21 D9 कुछ ऐसे इसमें रहती, इतना डिफिकल्ट है ये सब ढूंढना। मिली नहीं रहा, मम्मी को याद भी नहीं कि कहाँ क्या क्या चीज है, क्योंकि ऑब्वियसली 20 ईयर्स में पहली बार आ रही है, तो बहुत ही कंफ्यूजन आ रहा है। तो मैं और मेरे पापा तो इधर बेचारे मम्मी बोलते थे तुम लोग चले जाओ देखने के लिए, ऐसे वॉकिंग कर, मैं आपको दिखाती हूँ। खड़े हो गए वहां पे वॉकिंग करते करते, परेशान हो गए। लिखे आए भोपाल में, जो हम ये लोकेशन ढूंढ रहे हैं ना, गूगल मैप रॉन्ग ही बता रहे हैं, या तो गूगल मैप में आ ही नहीं रहा है। तो पापा को ना हर थोड़ी देर में उतर के कोई ना कोई शॉप में जाके पूछना पड़ता है कि ये कहाँ पे। एक्चुअली उनको भी समझ में नहीं आता है। और जो हम लोग लास्ट वाला जो लोकेशन बताया मैंने D21, तो मेरे पापा जिनका अब वो फ्लैट है, अब मेरे तो नाना जी ने वो बेच दिया था ऑब्वियसली, तो अब जिनका फ्लैट है उनसे पूछे थे D21 कहाँ है। तो बोलते क्यों, क्या काम है? तो पापा बोले कुछ ऐसी लोकेशन के लिए हमें पता है, तो बोलते D21 मेरा है, तो क्या काम है जिनका अभी वो फ्लैट है उनसे पूछे D21 कहाँ है। बहुत कॉमेडी सीन था। तो वो भी हम लोग ना वो ऐसे फोटो वगैरह ले रहे ना, तो वो भी ऐसे थोड़ा वियर्ड चेहरे बना रहे थे, बट हमने बोला जाने दो ना, क्या लेना देना हमें। तो अभी आ गए हैं देख के, और अब हम जाते हैं, मम्मी के स्कूल जाना है जहाँ मम्मी पढ़ती थी, विच इज माउंट कामिल स्कूल। अच्छा सा स्कूल है, तो उधर चलते हैं अभी। गाइस, आफ्टर ड्राइविंग फॉर ऑलमोस्ट 2 आवर्स हम पहुंच चुके हैं द वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ सांची, जो है सांची स्तूपा। तो अभी हम पार्किंग में हैं और अभी हम जा रहे हैं वहाँ पे दिखाने के, तो मैं आपको पूरा दिखाती हूँ कैसा है। ये हमारा फर्स्ट टाइम है, सो वी आर वेरी एक्साइटेड टू गो, लेट्स गो। तो गाइज, अभी हम ऊपर, आपने देखा हम लोग ऊपर आए, लेकिन हमें एंट्री नहीं दी है। रुक जाइए, थोड़े लोग देख रहे हैं मुझे रिकॉर्ड करते हुए। बस लुकिंग एट मी, मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी। तो गाइज, हम लोग अभी ऊपर आ गए थे, अंदर गेट के अंदर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया क्योंकि हमारे पास टिकट नहीं है। तो हम नीचे गए थे, नीचे हम लोग को डायरेक्ट ऊपर आने बोला, हमें टिकट लेने ही नहीं बोले उन्होंने, और हमें बताया भी नहीं कि टिकट लेना है। तो अभी पापा फिर से गाड़ी लेके नीचे गए, क्योंकि सांची स्तूपा थोड़ा लेवल पे 1 किलोमीटर नीचे से ऊपर आने में लगता है। तो अभी कार लेके वापस गए हैं नीचे कि टिकट ले। और फालतू में ये सब ना थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए गार्ड वगैरह लोगों को, बट अब क्या ही कर सकते। तो अभी आ गए हम थोड़ी देर, यहाँ लंच एरिया है, ये लंच प्लेस है, तो हम वहाँ पे हैं और अभी वहाँ पे रेस्ट करते हैं। तो मैं आपको उसका व्यू भी दिखाती हूँ, ऐसे ही आप देख सकते हो कितना प्रिटी सा है बहुत। अभी हम थोड़ी देर इधर बैठते हैं, और बहुत गंदी धूप है। हम लोग को भोपाल से आने में 1 to 2 आवर्स मतलब सिटी से निकलते ही 1 घंटा लग गया, यहाँ पे 1 घंटे में ही पहुँच गए सांची में। तो अभी बैठते हैं एंड फिर मैं आपको अंदर का व्यू पूरा अच्छे से दिखाती हूँ। तो गाइज, ये है लंच प्लेस,
और यहाँ पे बंदर भी लंच करने आए हैं। बंदर हम उधर नहीं जाएंगे, डर लगता है। तू भी बंदर जैसे ही बन के आई है। हाँ कुछ सिपाही मत कर। मैंने थोड़ा ना ब्राउन बना है तो ब्राउन जैकेट पहनिए खुद। तो अभी हम यहाँ पे खिंचवाने वाले हैं फोटो, तो हम वीडियो बंद करते हैं और फोटो खिंचाते हैं। हाय छोटू सी स्क्विरल चिपमंक। अच्छा अच्छा कम कम ये कम ये आ जाएंगे, मैं भाग जाऊंगी। भाग गई, छोड़ जान दे। तो अभी मैं अपनी बहन ने अपनी सिस्टर का फोटोशूट करती हूँ, इसका थोड़ा सा लेती हूँ, नहीं देख रही हो। अब इसका फोटोशूट करते हैं। सो गाइस हम एंटर कर चुके हैं, ये लिखा है वेलकम टू बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट और एट साची अ वर्ल्ड हेरिटेज। तो ये है साची स्तूपा। वाओ गाइस, ये है साची स्तूपा की हिस्ट्री। हिस्ट्री है ना, हाँ। तो ये तीन लैंग्वेजेस में दी है, तो और ये मेरे पापा है तो ये पढ़ रहे हैं। और ये हमें शॉर्ट में बताएंगे कि क्या लिखा है उसमें। पीछे कुछ हिस्ट्री बता रहे हैं वो, फॉरेनर्स आए तो। ये साची स्तूपा का ऊपर का, बापरे मेरी सांस फूल गई है, ऊपर का व्यू है। तो वहाँ पे भी कुछ है जो पेड़ के कारण नहीं दिख रहा है, और ये पूरा गार्डन है। इसकी हाइट फिर ज़्यादा मेरी हाइट की है, मेरे को फ़ोन ऊपर करके वीडियो बनाना पड़ रहा है। क्या ये अच्छा लग रहा है ना, 0.5 में अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ पे छोटे छोटे स्तूपा है, ये हर जगह पे ऐसे है। ये मॉनेस्ट्री है और अभी हम जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी स्टेप्स है। सिमे अम्मी राशि जा रहा है। गॉड इतनी फास्ट भाग गई ना वो, मुझे भागना पड़ रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा दिख रहा था ऊपर से मॉनेस्ट्री तो, आई डोंट नो अभी कैसे यहाँ से देखो तो समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से अच्छा व्यू आ रहा था, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो मुझे दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि जो वॉल्स है वो मेरे हाइट के है और पूरा नेट वगैरह से बंद करके रखा है। तो मैं आपको अभी पूरा अच्छे से बताती हूँ। मॉनेस्ट्री क्या, मॉनेस्ट्री है ना अंदर है। तो यहाँ पे छोटे छोटे कॉलम्स है, ये एक है, इसके बाजू में जैसे दिस वन इज ओपन, यहाँ कुछ नहीं है। इसके बाजू में ये फिर से है, ये तो यहाँ पे आई गेस मेडिटेट करते होंगे, एंड दिस इज ओपन। और वहाँ खड़े हैं मम्मी पापा लोग, दिख रहे हैं क्या? नहीं इधर नहीं, नहीं अभी दिख नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चलेगा। गाइस बहुत धूप है यहाँ पे, बट गर्मी हो रही है और मुझे अभी बहुत ज़ोरों की भूख भी लगना शुरू की है। मैंने आज ब्रेकफास्ट में बस एक सैंडविच खाया था, एंड आप देख सकते हो मेरी बहन वहाँ चढ़ के बैठ गई है। मैं उसको वहाँ पर जाके रिकॉर्ड नहीं कर सकती, तो यहीं से रिकॉर्ड करूँ, वहाँ पर बैठे। तो अभी हम यहाँ से निकलते हैं थोड़ी देर, मतलब 5 to 10 minutes में हम निकल जाते हैं, कुछ खाते हैं, एंड फिर से वापस भोपाल के लिए जाना है, क्योंकि हम लोग को शॉपिंग करने जाना है। भोपाल गए और शॉपिंग नहीं किया तो ये ऐसा हो नहीं सकता। और हम लोग का जो होटल है वो न्यू मार्केट के पास ही है, न्यू मार्केट सबसे बड़ा मार्केट है भोपाल में। जैसे हम नागपुर वाले तो नागपुर में बर्ड ही रहता है, वैसे भोपाल में न्यू मार्केट है, तो वहाँ बहुत रीज़नेबल चीज़ें मिल जाती है एंड बहुत अच्छा रहता है। तो अभी भोपाल जाने का एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैंने ना क्या किया, मैं एक चीज़ भूल गई हूँ, मैंने कल जो नेक्स्ट डे किया, हम कल कोई केव्स जा रहे हैं, मुझे उसका अच्छे से नाम याद नहीं है। तो हम जब नागपुर के लिए निकलेंगे वो केव्स वो रास्ते में पड़ते हैं, तो भोपाल के आउटस्कर्ट्स में है। तो
वहाँ से मतलब मेरे पास कपड़े हैं ही नहीं पहनने के लिए, क्योंकि मैं लेके ही नहीं, मुझे लगा कि आज के दिन ही हो जाएगा सब कुछ और कल से नाइट सूट वगैरह पहन के निकल जाएंगे, लेकिन नहीं, कल हमको जाना है और फोटो वोटो तो ऑब्वियसली खींचना है, तो मैंने सोचा मार्केट से कुछ ले लूँगी ऐसी जो पहनना भी हो जाए और काम भी हो जाए, फोटो वगैरह भी आ जाए और फिर हम मतलब जो कम्फर्टेबल हो ऐसा। तो मैं बहुत ज़्यादा बक बक कर ली हूँ और अब हम जाते हैं यहाँ से ऊपर वापस और कुछ खाते हैं। गाइस हम लोग आए हैं पार्टी का भांगी रेस्टोरेंट, वहाँ पे बोर्ड है लेकिन अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, तो हम लोग वहाँ पे सांची में कुछ मिला नहीं, तो यहाँ वहाँ से 15-20 मिनट भोपाल और सांची के रास्ते में हमें ये रेस्टोरेंट मिला है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे खटिया भी है, खटिया में बहुत छालों वाले बैठे हम लोग, खाने वगैरह ऑर्डर कर दिया और उसका वेट कर रहे हैं। तो गाइस मैंने बाफले मंगाए, थोड़े बहुत खा लिए, मैं भूल गई थी वीडियो रिकॉर्ड करना, और ये खीर है जो बहुत टेस्टी है, बाकी सब लोग खाना खा रहे हैं। गाइस अभी हम रूम में आ चुके हैं, टाइम क्या हो रहा है, 4:30 हो गए हैं, 4:55 ऑलमोस्ट 5 बज गए। एक्चुअली हम लोग अभी दूसरे रोड से आए थे, वो थोड़ा किलोमीटर्स कम थे, लेकिन वो शायद से गांव के बीच में से था, तो थोड़ा ट्रैफिक बहुत था, भोपाल में एंटर करो तो ऑलमोस्ट हमें हाफ एन आवर लग गया भोपाल के ट्रैफिक से निकलने के लिए। तो अभी हम रूम में थोड़ा रेस्ट करते हैं, मैं अपना जाम खा रही हूँ एंड फिर हम जाते हैं न्यू मार्केट शॉपिंग करने के लिए। गाइस हम लोग सांची स्तूपा से सांची स्तूपा से वापस आ चुके हैं, अभी रेस्ट वगैरह करना है। तो मैं ना मैंने आपको जैसे बताया था कि वहाँ पे बहुत सारी राइटिंग्स लिखी हुई है कि वो कैसा बना, उसकी हिस्ट्री सब कुछ है, तो मैंने अभी पापा से पूछा, तो पापा थोड़ा बहुत पढ़े, हम लोग को भी अच्छे से पता नहीं है क्योंकि उसमें भी ज़्यादा अच्छी वो हमने अच्छे से पढ़ा नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है कि किसमें थर्ड सेंचुरी बीसी में अशोक एम्परर ने बनाया था। एंड जब हम सांची स्तूपा के अंदर गए तो वहाँ पे 3 गेट्स थे, उनका भी कुछ मीनिंग है जो मैं गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहती इसलिए मैं बता भी नहीं रही हूँ। वो गेट्स पे ना कुछ वो ऐसे डिजाइन्स बनी हुई थी, 1, 2, 3, 4 और उस पे नंबरिंग, मतलब जहाँ वो राइटअप था उस पे नंबरिंग लिखी हुई थी ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो वो हर एक चीज डिपिक करी थी, जैसे पहले वाला जो ऊपर जो पैटर्न बना हुआ था 1 पे, तो उसमें दिया गेट पे, हाँ। तो उसमें दिया हुआ था कि लक्ष्मी जी के बारे में, तो इट वॉज डिपिक्टिंग व्हाट इज लक्ष्मी। फिर सेकंड उसमें शायद वो बताया थे कि एम्परर अशोका वेंट टू दैट स्तूपा वो शायद उसकी एशेज निकालने के लिए, तो बट वो ही कुडंट डू दैट, तो वो डिपिक किया हुआ था। थर्ड वाले में वो जो बौने माला वगैरह बना रहे हैं वो सब डिपिक किया था, तो वो दिख रहा था उसमें, मतलब अच्छा। वो डिजाइन में वो बना हुआ था और उन्होंने नंबर वाइज वहाँ लिखा था, लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने भी ना वो इमेज देखी थी, बट सिर्फ मम्मी पढ़ रही थी तो मम्मी नोज की वो एग्जैक्टली क्या लिखा था, मैं तो वेट कर रही थी मेरे पापा मेरे को समझाएंगे, क्योंकि ना वो ना वहाँ पे जितना भी पढ़ लो ना तब भी बहुत सारी चीजें हम रिमेम्बर नहीं, और जो मतलब जो सुना हुआ चीज रहती है ना वो हमेशा याद रहती है, ऐसा मेरे साथ होता है, पता नहीं आपके साथ कैसे होता है, लेकिन मैं पढ़ने से ज्यादा जो मैं सुनती हूँ मुझे वो ज्यादा याद अच्छे से याद रहता है। तो हम लोग भी वो बहुत कुछ रीड नहीं, बहुत कुछ रीड नहीं कर पाए, तो वो जो गेट के जो पैटर्न्स हैं उनकी हर मीनिंग वहाँ लिखी हुई थी नंबर वाइज, क्या डिपिक कर रहा है, ये क्या डिपिक कर रहा है, टोटल तो 3 वो जो मेन वहाँ पे स्तूपा वन में गए, जो सबसे मतलब मैक्सिमम इमेजेस में दिखता है वो स्तूपा वन ही दिखता है, वहाँ पे स्तूपा 2 भी है जो नीचे था, वहाँ पे ना बहुत छोटे छोटे स्तूपास थे जो आप मतलब लोग वर्शिप करने के लिए यूज करते थे, स्पेशली वो सांची स्तूपा इसलिए बना था कि जहाँ आप अच्छे से वर्शिप कर सको, वो स्पेशली इस चीज के लिए ही था, तो बहुत मतलब वो एक्चुअली मॉनेस्ट्री है, तो थोड़ा सा पीसफुल रहने के लिए, वो नीचे भी जहाँ तुम लोग उतरे हाँ, वो भी मॉनेस्ट्री थी, छोटे छोटे क्यूब्स बने हुए थे क्यूबिकल्स टाइप के, तो बहुत मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल प्लेस, जो पहाड़ी है क्या बोला था आपने कि सांची की पहाड़ों पे बनाया था उन्होंने, विदिशा शहर के पास है, ड्राइव बहुत इजी है, मतलब रोड्स पर भोपाल से अगर आप जाओगे तो बहुत इजी ड्राइव है, इतना कुछ वो 1-1.5 बस थोड़ा कैसे रहता है, अगर आप जैसे बीच बीच में गाँव आते रहते हैं तो वो थोड़ा टाइम लगता रहता है इधर उधर जाने में, लेकिन रोड्स आर ओके, ऐसे गड्ढे गुड्ढे वाले रोड्स नहीं है, तो वो अच्छा है, तो हम लोग को बहुत अच्छा लगा, हम लोग का एक मतलब बहुत टाइम से देखना था, चलो हम भोपाल आए और हम लोगों ने प्लान कर लिया तो हम लोग का हो गया, नहीं तो वो भी पॉसिबल नहीं है, हिस्टोरिक हो गया, टिकट्स एंट्री टिकट्स, मैं तो ये बताना ही भूल गई, वहाँ पे एंट्री टिकट्स है,
मैंने आपको शायद से मैं मॉनेस्ट्री के सामने बताई थी कि हम लोग हम ऊपर तक पहुंच गए थे, लेकिन हमें वो गार्ड ने बताया नहीं कि नीचे से टिकट लेते, तो हमें वापस नीचे जाना पड़ा टिकट लेने के लिए। और वो कैसे, आप पैदल नहीं जा सकते, आपको कार से नीचे जाना पड़ेगा या बाइक से नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ₹40 पर पर्सन है वहाँ पे टिकट पर पर्सन। और वहाँ पे ना लाइट एंड साउंड शो भी होता है जो शाम के टाइम पे होता है, उसकी टिकट आई गेस ₹100 से शुरू होती है। फॉर इंडियंस, फॉरेनर्स का अलग प्राइस है, बट मुझे पता है इंडियंस ही मुझे, मतलब मेरी लैंग्वेज समझेगी तो उनको पता है, तो वो अपने लिए, अपने इंडियंस के लिए कम का ही है, तो अच्छी बात है। और वो हम देख नहीं पाए क्योंकि हम दिन के टाइम पे गए थे, वो रात में होता है, लेकिन हमें ना ये नहीं पता कि वो डेली होता है या वो नहीं पता वो देख नहीं पाए, लेकिन बस इतना बोर्ड पे देखे तो बहुत पीसफुल प्लेस है और ब्यूटीफुल प्लेस। और ये सबसे अच्छा था कि वहाँ पे बहुत कम भीड़ थी, मतलब नहीं तो आई गेस बहुत ज्यादा जब अपन पहुंचे तब आई थिंक आना शुरू हो रहा था, क्योंकि उसके बाद देन देखो पूरा भर गया था। हम सही टाइम पे वहाँ से मतलब देख देख के निकल गए, बहुत अच्छा था वो है। और मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया है, 4-5 मिनट होने वाले, तो अभी हम रेस्ट वेस्ट करते हैं, फिर हम जाते हैं न्यू मार्केट के लिए। गाइस हमारी ये शॉपिंग है, अभी एक ही दुकान की इतनी शॉपिंग है। तो गाइस ये है हमारी शॉपिंग पूरी। पानी देने के लिए आए थे होटल स्टाफ में से, तो हम लोग ने ये शॉपिंग वगैरह के लिए, अगर आपको इसका पूरा हॉल देखना है तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जा सकते हो, वहाँ पे आप देख सकते हो पूरा वीडियो जो जो हमने सामान खरीदा है। एंड आप, हम लोग न्यू मार्केट के पास है ना, तो हम लोग का होटल न्यू मार्केट के पास है, तो बहुत पास में ना, हम वॉकिंग डिस्टेंस पे गए, तो मैं आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताना चाहती हूँ न्यू मार्केट के बारे में। न्यू मार्केट में आप जब एंटर करते हो तो एक अंडरग्राउंड टनल जैसा आता है, जहाँ पे भी बहुत सारी, मतलब वो टनल पे भी लोगों ने अपना अपना शॉप्स बना के रखा है, तो आप वहाँ से शॉपिंग कर सकते हो। लेकिन हम लोग गए तो हमें वो बहुत थोड़ा एक्सपेंसिव लगा कि टॉप्स 1100-1200 महंगे आ रहे थे, तो हम लोग ना मार्केट के अंदर जस्ट घुसे ही थे तो उतना रेट था। जब हम मार्केट के अंदर गए, आपने वीडियो भी देखा होगा, तो वहाँ पे बहुत शॉप्स है, तो हम लोग इंडियन वेयर देखे तो इंडियन वेयर 1100 से तो मैक्सिमम उससे ही शुरू हो रहा था ना। लेकिन आपको क्या है, आपको एक चीज़ ध्यान रखना, आपको बार्गेन करना आना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप बाहर जा रहे हो और ऐसी बहुत सारी दुकानें दिख रही है तो आप बार्गेन आराम से कर सकते हो, तो ऑलमोस्ट 300-400 कम कर ही देते हैं। थोड़ी शॉप्स रहती है जहाँ फिक्स रेट रहते हैं, लेकिन बाकी शॉप्स में आप जाके कर सकते हो, और आप थोड़ा ऐसे उनको बोल भी सकते हो, भैया हम ले लेंगे 3-4 ले लेंगे, आप प्राइस कम करो, हम उस प्राइस में हम 3-4 ले लेंगे, तो वो कर देते हैं कम। बहुत वैरायटी इयररिंग्स की है, चूड़ियों की, लेकिन हम देख ही नहीं पाए ना मम्मी, हम चूड़ियों के देख ही नहीं पाए क्योंकि सिर्फ एंटर किए थे और इतना हो गया और टाइम हो गया था वापस आने का, क्योंकि 10 बजे मार्केट बंद हो जाता है, सुबह मॉर्निंग 11:00-12:00 से शुरू हो जाता है और रात के 10 बजे तक खत्म हो जाता है, ऑलमोस्ट 12 आवर्स ऑन, मतलब खुला ही रहता है मार्केट। इवन सूट्स की जो रेंज है, हाँ, वो नॉट ओनली 1100 उससे कम से शुरू है, बहुत रेंज है। हाँ क्या, हाँ, वो अपन ने जो पूछे वो 2 बार 1100, बाकी बहुत रेंज है, मतलब रेंज आपको आराम से मिल जाएंगी और बहुत अच्छी क्वालिटी। मतलब मैंने एक कुर्ता लिया है विच वॉज ऑफ ₹900, वो भी हमने बार्गेन करके 750 का किए ना, हाँ हमने कम ही किए, लेकिन वो बहुत भारी, मतलब बहुत दिख रहा है, बोल ही नहीं सकते कि वो 900 का भी है, बहुत हैवी दिख रहा है। तो मैं ये पूरा जो भी मैंने खरीदा है वो आपको मतलब मेरे नेक्स्ट दूसरे चैनल के वीडियो में आपको समझ ही जाएगा, तो बस मुझे इतना ही बताना है। और अभी हम बहुत गंदा थक गए हैं, लेकिन मेरी मम्मी थकी नहीं है, मेरी मम्मी को फिर से जाना है अंदर, तो थोड़ी बहुत शॉप्स ओपन थी, तो हम लोग अभी थोड़ा रेस्ट करें, इनकेस अगर खुली रही तो शॉप्स, मैं और मम्मी वापस जाने वाले, तो अभी करते हैं, अभी लंच बोल रही थी, डिनर भी करना बाकी है, तो हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, क्योंकि मेरी बुआ जो यहाँ भोपाल में रहती है, शी इज़ कमिंग टू मीट अस हियर इन द होटल, और यहाँ पे हम मिलेंगे और फिर उसके बाद हम जाएंगे डिनर करने के लिए। गाइस खाना वगैरह हो गया है और अभी हमने जो शॉपिंग की है वो हमें अच्छे से सूटकेस में रखना है, सब बातें भी कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पे हम व्लॉग एंड करते हैं, वेल सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय।